हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फाइनली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रेगनेंसी को लेकर पोस्ट शेयर किया है। इस कपल की गुड न्यूज शेयर करते ही फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। इसके बाद फैंस और सेलिब्रिटीज लगातार दीपिका और रणवीर को बधाई दे रहे हैं। कपल ने 29 फरवरी यानी आज इंस्टाग्राम अकाउंट से सेम पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि उनका बच्चा सितंबर 2024 में इस दुनिया में आने वाला है। ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन में स्टनिंग फोटो शेयर की हैं। खुले बाल, हल्का मेकअप और गोल्डन इयररिंग्स के साथ उनका लुक बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। फैंस को उनका यह अवतार काफी पसंद आया है और वो कमेंट करके तारीफ कर रही हैं। इन तस्वीरों के साथ तृप्ति के स्टाइल की भी काफी तारीफ हो रही है। मॉडल और बिग बॉस फेम निक्की तंबोली ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बोल्ड अवतार नजर आ रहा है। निक्की ने ब्लैक बिकिनी पहनी है, लाइट मेकअप के साथ बाल खुले छोड़े हैं और वो जमीन पर लेटकर सेक्सी पोजेस देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये बोल्ड फोटोशूट सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा रहा है, साथ ही फैंस उनकी हॉटनेस की तारीफ भी कर रहे हैं। शैतान का नया गाना ऐसा मैं शैतान आज रिलीज हो चुका है। इस गाने में आप आर माधवन का जबरदस्त अवतार देख सकते हैं, जो काली दुनिया की झलक भी दिखा रहा है। इसके साथ ही गाने का म्यूजिक भी काफी ग्रूवी है। इस गाने को रफ्तार ने रैप स्टाइल में गाया है और अमित कुमार ने कंपोज किया है। आपको बता दें कि ये फिल्म 8 मार्च को थिएटर्स में आने वाली है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार अब एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। जी हाँ, खबर है कि जॉली LLB के थर्ड पार्ट में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ काम करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तीसरे इंस्टॉलमेंट की मई 2024 में फ्लोर पर लाया जाएगा। वहीं साल 2025 यानी नेक्स्ट ईयर इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शंस में 4 चांद लगाने के लिए सलमान खान भी जामनगर पहुंच चुके हैं। सलमान खान का एयरपोर्ट के बाहर से एक वीडियो सामने आया है। सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं और इस वीडियो पर काफी जमकर कॉमेंट कर रहे हैं। कटरीना कैफ का एयरपोर्ट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में कटरीना कैफ एयरपोर्ट से निकलते ही पैपराजी की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगती हैं और पैपराजी उनकी तरफ भागने लगते हैं और फिर वो मुस्कुराते हुए सही रास्ते पर चलने लगती हैं। अब लोग इस वीडियो को देखने के बाद से ही काफी फनी कॉमेंट्स कर रहे हैं। लेखक सिद्धार्थ और गरिमा की फिल्म दुकान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म दुकान कमर्शियल सरोगेसी की दुनिया पर बेस्ड है। सिद्धार्थ और गरिमा की ये पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है। ट्रेलर को संदीप रेड्डी वांगा ने मुंबई में लॉन्च किया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और गरिमा ने वांगा की फिल्म एनिमल का गाना सतरंगा भी लिखा था। कॉमेडी फिल्मों के शौकीन के लिए आज एक गुड न्यूज है। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब की मस्ती की टोली एक बार फिर से दर्शकों को गुदगुदाने आ रही है। आज 29 फरवरी को मस्ती 4 का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि फिल्म को मिलाप जावेरी डायरेक्ट करेंगे। वहीं प्रोड्यूसर के तौर पर ए झुंझुनवाला, SK आलूवालिया, इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया की सुपर टीम होगी। मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल 5 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल श्रेयस तलपड़े ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि गोलमाल 5 की शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है और दिवाली 2025 के मौके पर इसे रिलीज भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि गोलमाल 5 पेंडेमिक के दौरान अनाउंस की गई थी। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।